लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चक्रम साले चक्कर खा रहे होंगे, ऐसी हजामत हुई है कि महीनों एक दूसरे की खोपड़ी को तबला समझ कर बजाते ही रहेंगे। चौवा साले के 12 बज गए। क्या हुआ? कुछ सामान और भी साथ आया है। निकलो। कौन हो तुम? एक बेसहारा। सच सच बोल, नहीं तो यहीं मार के दफन कर देंगे। मैं सच कह रही हूं, मेरे माँ बाप मर चुके हैं। जायदाद के लिए चाचा मेरी जान लेना चाहते थे। घर में मैं अकेली थी, एक बदमाश मुझे मारने के लिए आया। मैं खिड़की से कूद के भागी, उसने मेरा पीछा किया। बाजार तक पहुंची जहां आपकी कार खड़ी थी। उस बदमाश से नजर बचाकर मैं डिग्गी में घुस गई। एक्टिंग अच्छी कर लेती है लड़की। मेरी बेबसी को आप एक्टिंग कहते? अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। रास्ता कहां है बाहर जाने का? यहाँ जो भी आता है हमारी मर्जी का बगैर बाहर नहीं जाता है। तुम मजलूम भी हो सकती हो, हमारे दुश्मनों की चली हुई चाल भी। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें तुम्हारा हक वापस दिलवाएंगे। लेकिन अगर तुम हमें धोखा दे रही हो तो याद रखो, तुम कौन थी, कहां से आई, कहां गई, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं अपने स्वर्गवासी माँ बाप की कसम खा के कहती हूँ, मैंने सब सच कहा है। तुम्हारी सच्चाई का सबूत क्या है? सबूत हम मालूम कर लेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? गीता। गीता? गीता है तो महाभारत होना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो ये हमारे कृष्ण को दुर्योधन बना दे। मुझे क्या मालूम था आपको मेरा नाम इतना बुरा लगेगा, नहीं तो मैं कोई दूसरा नाम बता देती। अभी भी क्या पता तुम दूसरा बता रही हो कि तीसरा। ये सच कह रही है, झूठ मालूम करने में कितना टाइम लगेगा। तुम्हारे चाचा का क्या नाम है? हनुमान सिंह। ओ, अपनी लंका में आग लगने के पूरे चांसेस है भाई साहब, इस विषकन्या से तो छुटकारा पा लो। लेकिन एक लड़की हमारा क्या बिगाड़ सकती है? बड़े बड़े ऋषि मुनियों का बेड़ा गर्क कर दिया इन कन्याओं ने, फिर हम तुम किस खेत की मूली है भाई? ए पोपट, लड़की तो मैं भी हूँ। तुमने कौन सी कम आफत मचा रखी है? अपना जब भी बेड़ा गर्क होगा वजह तुम ही होगी। विजय समझा दो इसने तो मैं इसके दांत तोड़ दूंगी। चुप रहो तुम दोनों, कहां रहती हो तुम? लव लेन बिल्डिंग नंबर 12। बेड़ा गर्क हो गया हमारा। शट अप। जब तक हम तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जान लेते तुम यहां से बाहर नहीं जा सकती। बाबत इन्हें नीचे कमरे में ले जाओ। चलिए चलिए चलिए। जब देखो डांटते रहते। और तुम मेरे साथ ऊपर वाले कमरे में चलो। नीलम तुम्हें कई बार कह चुका हूं कि हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, मेरी लाइफ पार्टनर बनने का ख्याल तुम दिल से निकाल दो। दिल है कहां, वो तो तूने ले लिया है सालिम। अंदर चलिए। लाइट के लिए स्विच कहाँ है? हमारे तुम्हारे हाथ में। मैं समझी नहीं। खुद बजा कर देख लो। नहीं
सोने के लिए पलंग, कपड़ों की जरूरत हो उस कोने में अलमारी। बिना इजाजत यहां से बाहर जाने की कोशिश की तो मेरे कबूतर गुटरगू करने लग जाएंगे। हैं तो छोटी सी जान, लेकिन अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो बड़े बड़ों की जान के लाले पड़ जाते हैं। आपको मुझ पे अब भी शुभा है? मैं अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करता। तुम लोगों ने मेरी जवान बेटी को इतनी खतरनाक जगह भेजने की हिम्मत कैसे की? आखिर तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? याद रखो, अगर नीता को कुछ हो गया तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। तुम तो खाओ खा परेशान हो रही हो। वो क्या 10 बदमाशों का मुकाबला कर सकती है? इसलिए कि जूडो, कराटे, गोली चलाने में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मैंने अपनी नीता को बेटों की तरह पाला है, वो अपनी हिफाजत करना खूब अच्छी तरह जानती है। इसके अलावा वो एक जिम्मेदार सीआईडी ऑफिसर है और पुलिस से इंसान तो क्या, शैतान भी दुम दबा के भागता है। अपनी हांकते रहो, मेरे कभी न सुनना। क्या तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट ने चूड़ियां पहन दी है जो मेरी बेटी की सवार कोई नजर ही नहीं आया? सुजीत स्पीकिंग। मैं चमन भाई। फकीरा क्या हुआ? पुलिस उसके शराब में है, हम बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आज तक क्यों नहीं किया उसे गिरफ्तार? क्या कर रही है आपकी पुलिस फोर्स? क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये वक्त आने पे पता चल जाएगा। क्या हाथ पता चल जाएगा? कमिश्नर साहब, आखिर मैं लोगों का सेवक हूँ, वो मुझसे जवाब तलब करते हैं कि हमारी इज्जत, हमारी जायदाद की हिफाजत कौन करेगा? मेरी एक अर्ज है, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मैं मोर्चा निकालूंगा, जुलूस निकालूंगा, आपके ऑफिस के सामने भूख हड़ताल करूंगा, नारे लगाऊंगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो आप मेरी मजबूरी को अच्छी तरह जानते हैं। और तुम, मैंने तुम्हें जंगल का शेर समझा था, लेकिन तुम वो कागजी शेर निकले जिससे बच्चा खेलता है और जब जी चाहे टुकड़े टुकड़े करके उछाल कर फेंक देता है। मुझे असली शेर चाहिए जो गिद्ध और गीदड़ों को फाड़ कर फेंक दे। मुझे खूंखार दरिंदा चाहिए जो हो तो इंसानी शक्ल में, लेकिन इंसानियत उससे कोसों दूर भागे। तूफान का नाम सुना है? छी, सारे बदमाश उसके नाम से तौबा करते हैं। नाम तूफान, जिस्म चोटी। कसम पैदा करने वाले की, तुझसे बड़ा गधा आज तक मैंने नहीं देखा। क्या? अबे चींटी के, चींटी तो हाथी को भी मार डालती है और तू तो सिर्फ गधा है गधा। अबे चींटी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पहले पानी पी ले, पसीना छोड़ रहा है। 2 साल बाद जेल से बाहर आया हूं, फिर क्यों अंदर भेजने की तैयारियां कर रहा है? आखिर तेरा मेरा क्या वास्ता? एक म्यान में 2 तलवारें और एक मुल्क में 2 राजे नहीं रह सकते। अबे राजे महाराजे गए तेल लेने, अब तू क्यों पानी भरना चाहता है? जा अपना काम कर। अबे तू क्या देख रहा है? एक पैक बना। नहीं, वो ये नहीं पिएगा। कसम पैदा करने वाले की, तूने अपनी मौत को खुद बुलाया है। बता तू कहां का राजा है? निकाल दूं तेरा भेजा। छोड़ दे बेटा, बेवकूफ है, तुझे जानता नहीं था। चाचा ये फिर से भौंकेगा। नहीं भौंकेगा, माफ कर दीजिए। तू नसीब वाला है टकले, चाचा यहां था, वरना कसम पैदा करने वाले की
अपने पांव पर नहीं दूसरों के कंधे पर लटक जाता। हमारे सामने कोई दूसरा पिस्तौल रखे यह हमें पसंद नहीं। वेरी गुड, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूं, एक काम के लिए आया हूं। ये देखो,